जमीन के बीच सबसे तगड़ा खेल। हर हजार फीट पर उलझने को तैयार दोनों देश। तो वहीं समंदर पर चीन ने जमा किए एक साथ 19 देश। दिसंबर में गलवान जैसी घटना दोहरा सकता है चीन। भारतीय सेना सबसे आधुनिक हथियारों के साथ पूरी तरह से रेडी। दोस्तों, भारत और चीन के बीच कुछ समय तक शांत रहा तनाव अब एक बार फिर से बढ़ रहा है। और जैसा कि भारत की सुरक्षा एजेंसियों को इस बात की जानकारी लगी थी कि चीन के तानाशाह राष्ट्रपति अब भारत के साथ उलझने के लिए अपनी सेना को नए आदेश दे सकते हैं, अपनी छवि को सुधारने के लिए जिनपिंग कोई भी कदम उठा सकते हैं। और भारत को मिली जानकारी बिल्कुल सच निकली। चीन ने न केवल LAC पर हजारों फीट की ऊंचाई पर सर्दी बढ़ने के साथ ही सैनिकों और बाकी अन्य हथियारों की तैनाती को बढ़ाने का काम किया है, बल्कि अब चीन समुद्र में भी एक नए षड्यंत्र के तहत भारत को घेरने का प्लान बना रहा है। और इसके लिए चीन ने 2-4 नहीं बल्कि 19 देशों को एक साथ कर लिया है। और कमाल की बात तो यह है दोस्तों कि ये सभी देश चीन से कर्ज लेकर बर्बाद हो चुके हैं। यानी चीन भारत के साथ आगामी तनाव को युद्ध की शक्ल देने और युद्ध होने के बाद चीन बाकी देशों का सपोर्ट हासिल कर रहा है। हालांकि दोस्तों, ऐसा नहीं है कि भारत इसे चुपचाप बैठकर देख रहा है, बल्कि भारत ने एक और जहां 50,000 नए जवानों को 18,000 फीट की ऊंचाई पर तैनात कर दिया है। यानी अब 1,00,000 से भी ज्यादा सैनिक चीन से लोहा लेने के लिए तैयार है। तो वहीं भारत के सबसे खूंखार हथियारों को LAC पर डिप्लॉय भी कर दिया गया है, जिनके बारे में हम आपको एक एक करके बताएंगे। लिहाजा आप वीडियो के आखिर तक जरूर बने रहिएगा। चीन ने भारत के खिलाफ किए 19 देश। भारत के साथ कर रहा है बड़ा षड्यंत्र। दोस्तों, चीन के खिलाफ भारत ने कौन कौन से हथियार तैनात कर रखे हैं ये बताने से पहले हम आपको ये बता देते हैं कि चीन ने किन किन 19 देशों के साथ रणनीति बनाई है और किस तरह से चीन इन देशों को आर्थिक बैठक का नाम लेकर एक तरह से भारत के खिलाफ बड़ा माहौल तैयार करने के लिए तैयार कर रहा है। दोस्तों, हाल ही में 21 नवंबर को चीन ने हिंद महासागर क्षेत्र में आने वाले 19 देशों के साथ एक मीटिंग की। ये भारत के खिलाफ षड्यंत्र किस तरह से है ये इस बात से ही समझा जा सकता है कि चीन ने इस मीटिंग में भारत को नहीं बुलाया, ना ही भारत के मित्र देशों को। इस मीटिंग से भारत को बाहर रखा गया। अब विश्व स्तर पर यह किसी साजिश की तरह ना लगे, इसके लिए चीन ने इसे हाइब्रिड तौर पर साझा विकास थीम के तहत आयोजित किया है। इस मीटिंग में चीन ने पाकिस्तान, इंडोनेशिया, म्यांमार, श्रीलंका, बांग्लादेश, मालदीव, नेपाल, अफगानिस्तान, ईरान, ओमान, दक्षिण अफ्रीका, कीनिया, मोजाम्बिक, तंजानिया, सेशल्स, मेडागास्कर, मॉरिशस, जिबूती और ऑस्ट्रेलिया देश शामिल हुए हैं। चिंता की बात तो दोस्तों यह है कि इसमें ऑस्ट्रेलिया भी शामिल है। वहीं बाकी देशों के साथ भी भारत के साथ कोई गहरा नाता नहीं रहा है, लेकिन इन देशों को चीन कर्ज की भीख जरूर बांट रहा है। इन सभी देशों ने किसी न किसी प्रकार से चीन से कर्ज जरूर ले रखा है और चीन इसी के बल पर इन देशों को फंसाने का काम कर रहा है। वहीं चीन इस मीटिंग के जरिए खुद को ताकतवर देश भी घोषित करना चाहता है। इस मीटिंग के बाद खुद चीन ने बयान देकर कहा है कि वो हिंद महासागर में मौजूद देशों को वित्तीय, मटेरियल और तकनीक समर्थन देने के लिए पूरी तरह से तैयार है। दरअसल साउथ चीन सागर एरिया में कब्जा करने के बाद अब चीन चाहता है कि उसका दबदबा हिंद महासागर में भी हो जाए, और इसके लिए वो लगातार साजिशें रच रहा है। वो वहां मौजूद बंदरगाहों पर भारी निवेश कर रहा है और पाकिस्तान, श्रीलंका जैसे देशों को इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए संसाधन मुहैया कराने में भी लगा हुआ है। चीन ने जहां जिबूती में तो अपना नेवी बेस तैयार कर ही लिया है, तो वहीं श्रीलंका के हम्बनटोटा को भी 99 साल के लिए लीज पर लिया हुआ है। दूसरी ओर भारत के ठीक सामने अरब सागर तक मजबूत पकड़ बनाने के लिए पाकिस्तान के ग्वादर में बंदरगाह तैयार भी कर रहा है। भारत के पश्चिम स्थित पड़ोसी देश मालदीव में भी जमकर इंफ्रास्ट्रक्चर निवेश कर रहा है। चीन का सपना है कि वो यहाँ पर कैसे भी करके भारत को कमजोर करे, क्योंकि भारत यहाँ पर पहले से मजबूत स्थिति में है। चीन को जवाब देने के लिए भारत की तरफ से हिंद महासागर रिम एसोसिएशन IORA को संचालित किया जा रहा है। इस संगठन में 23 देश सदस्य शामिल है। चीन के खिलाफ भारत की सबसे बड़ी तैनाती।
इंडिया वेपन ही हो रहे हैं लगातार तैनात। दोस्तों, पिछले एक डेढ़ महीने में चीन के खिलाफ भारत ने कई भारत निर्मित हथियारों को तैनात किया है। वहीं सर्दी बढ़ने के साथ ही चीन की तरफ से भारत के लिए तनाव को भी बढ़ाना शुरू कर दिया गया है। इसीलिए भारत ने ब्रह्मोस मिसाइलें, बराक मिसाइल, आकाश मिसाइलें जैसे अचूक मिसाइलों को वायुसेना और नौसेना के बाकी जंगी योद्धाओं में फिट किया जा रहा है। हाल ही में हमने आपको खबर दी थी कि चीन के खिलाफ भारत का नया किलर हंटर उतारा जा रहा है। भारत ने हाल ही में एक योद्धा समंदर पर उतारा है जो इतना ताकत है कि दुश्मन चाहे अरब सागर में छुपा हो, बंगाल की खाड़ी में छुपा हो या फिर हिंद महासागर में, भारत का एक खतरनाक योद्धा उस छिपे दुश्मन की तलाश कर उसे ऐसी मौत देता है कि उसकी राख तक समंदर में नहीं मिलेगी। भारतीय नौसेना को उसका दूसरा PB-15 स्टेल्थ गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर मिल गया है जो काफी खतरनाक बताया जा रहा है। दोस्तों, इस विध्वंसक युद्धपोत में भारत की सबसे ताकतवर मिसाइलें ब्रह्मोस और बराक लगी हुई हैं। ब्रह्मोस मिसाइल जो विश्व की सबसे तेज रफ्तार से हमला करने वाली मिसाइल हैं, जिसके वार से यहां तक कि अमेरिकी हथियार भी नहीं बच सकते हैं। वहीं इनके अलावा भारतीय सेना ने चीनी सेना को जवाब देने के लिए तमाम तरह के प्रयास शुरू कर दिए हैं। भारतीय सेना सर्दियों को देखते हुए लद्दाख के LAC क्षेत्र में 50,000 और जवानों की तैनाती कर रही है, यानी अब सीमा पर भारतीय जवानों की संख्या लाख तक पहुंच चुकी है। वहीं इनके अलावा जो सबसे घातक हथियार भारत ने चीन के लिए तैनात करने का फैसला किया है वो है लाइटरिंग एम्यूनिशन। दरअसल भारतीय सेना अपनी मारक क्षमता बढ़ाने के लिए नई तकनीकों और नए हथियारों को तेजी से अपना रहा है। इस कड़ी में आर्मी अब लाइटरिंग एम्यूनिशन की खरीदी कर रहा है। लाइटरिंग एम्यूनिशन यानी बारूद भरा ऐसा गोला है जो कुछ वक्त तक हवा में रहते हुए दुश्मन पर नजर रखेगा। फिलहाल सेना 180 लाइटर एम्यूनिशन खरीदने वाली है। ये एंटी आर्मर होंगे, यानी इनकी मदद से दुश्मन सैनिकों को ले जाने वाली व्हीकल और टैंक भी ध्वस्त किए जा सकेंगे। लाइटरिंग एम्यूनिशन को हम अटैक ड्रोन से समझ सकते हैं। अटैक ड्रोन हवा में चक्कर लगाता हुआ टारगेट का इंतजार करता है और सही वक्त पर सटीक निशाना लगाकर उसे तबाह कर देता है। कहने का मतलब दोस्तों, भारत चीन को हर तरीके से मसल देने के लिए तैयार है। खैर, चीन के षड्यंत्रों को देखते हुए आपका क्या कहना है, कमेंट में लिखकर जरूर बताएं।